नमस्कार दोस्तों, किसान की सोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं बुढ़ाना के अंदर और आप देख सकते हैं ये जो घर है लाल पत्थर से बना हुआ, ये हमारे यूपी बुढ़ाना से जो एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उनका घर है। आज हम यहाँ पर आए हैं बुढ़ाना के अंदर और आप देख सकते हैं कितने प्यारे इनके गेट हैं, बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने अपने मकान। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लकड़ी में डिजाइन किया हुआ है, ये देख लो आप, बहुत बढ़िया। ये घर का जो है दोस्तों मेन गेट है, बिल्कुल मेन एंट्री, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। दोस्तों अब अंदर चलेंगे। आजकल देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा गेटों में लागत लगा दें, लेकिन ये लकड़ी की क्वाड इन्होंने आज भी मतलब अपना बहुत ही अच्छे से संजो कर रख रखी। ये लकड़ी दोस्तों आजकल मिलती भी नहीं। तो ये जो है गेट है मेन, और मेन गेट के बिल्कुल बराबर में ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कोई मान लो गेस्ट आ गया और अचानक यहाँ घर पे भी कोई नहीं है, तो आप यहाँ पंखा लगा हुआ है और आप यहाँ जो है वेट कर सकते हैं एक घंटा आधा घंटा, तो बहुत ही आपके लिए मतलब आते ही यहाँ पे पानी आता है, फिर चाय आती है, बहुत ही सम्मान होता है। मेरे साथ में जो है शुभम भाई हैं और भाई जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे बहुत ही प्यारे कलाकार हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने हमारे यूपी का बहुत ही नाम बढ़ाया। तो भाई के घर पर आए हैं आज हम बुढ़ाना के अंदर, और अब भाई मुझे बताएंगे इनके बारे में कहाँ कैसे कैसे घर है। मैं बता दूँ आपको, वो अक्सर यहाँ पे आया करते हैं और ईद वगैरह के टाइम पे आया करते हैं, क्योंकि फिलहाल वो अभी मुंबई में रह रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने और उधर ही उन्होंने मकान बना लिया। उनके छोटे भाई रहते हैं, वो भी फिलहाल अभी बाहर गए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये उनकी बैठक टाइप बोल सकते हैं आप सभी, और देख सकते हैं यहाँ पे बैठक करते हैं, और यहाँ पे मतलब जो कोई मेहमान आता है आपको मैं एक बार दिखा दूँ भैया। ये देखो, देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मतलब लकड़ी की बनी हुई है, बहुत बढ़िया सोफे जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। और देख सकते हैं भाई, ये दिखाऊंगा खिड़की वगैरह, देख सकते हैं आप सभी कितनी पुराने जमाने की है और आज भी सजोगे रखी हुई है इन्होंने, बहुत बढ़िया। और एक बार भैया ये थमली दिखा दीजिए आप एक बार, ये देखो भाई डिजाइन, देखो एक बार डिजाइन, हाँ एक नंबर का डिजाइन है। तो हम आपको सारा घर दिखाएंगे इनका, तो इधर से दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो भाई जो आपको दिखा दें एक बार, देखिए ये यहाँ पे भी बैठा करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी, और ये इनका मेन एंट्री गेट है, क्योंकि देखो ऐसा अलाउड नहीं होता किसी परमिशन के बिना। और अब भैया है भी नहीं यहाँ पे, जब भैया होते तो हम पूरा घर भी दोस्तों खोल के दिखा देते, लेकिन हमारी भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा आप घर पे चले जाओ, आपका घर है, तो बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात जो है सफ़ेद पत्थर है, और पत्थर में सफाई बहुत है, सफाई बहुत कर रखी। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी कर रखी है ये पत्थर लगा के, लगाने वाले ने भी कमाल करा, और बहुत बढ़िया पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। और मकान जो है अपनी पुरानी मतलब अपने पुराने हिसाब से बना हुआ है। तो दोस्तों एक बार आइए, ये देख सकते हैं आपको, ये देखिए भाइयों ये एक गैलरी टाइप बोल सकते हैं आप इसको, हाँ जी, या बहुत बढ़िया, मतलब एक बैठक भी कह सकते हैं आप सभी, बैठक बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देख सकते हैं भाइयों एक बार इधर दिखाना भैया, खाना खाते हैं, और इधर जो है रसोई के साथ में अपनी फैमिली के साथ एक बार छोटा सा किचन वगैरह भी बनाया है, बिल्कुल किचन वगैरह भी बनाया हुआ है भैया ने, बहुत बड़े ये इनके रूम है अंदर। रूम दोस्तों जब भैया आ जाएंगे हम तब दिखाएंगे, कभी छुट्टी में। और जी 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 यहाँ पे भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कमरा है, और ये देख सकते हैं यहाँ इन्होंने जो है बेड लगा रखे हैं। खुले में बैठने का मन हो तो आप बाहर बैठ सकते हैं, पंखा लगा हुआ है। भाई इधर से दिखा दीजिए आप, ये ऊपर देख सकते हैं आप सभी कितने ऊपर देखो कमरे वगैरह बने होंगे, आप अंदाजे से लगा सकते हैं। हाँ ये तीन मंजिल है यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया। देखो अपनी चीज को आज तक इन्होंने संभाल के रखा है, ये इनके पिताजी ने बनवाया था जी जी जी, और पिताजी का आज तक इन्होंने सजो के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो हमारी चीज है उसको सजो के रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। और जिन्ने की जो है देख सकते हैं ग्रिल भी, सुरक्षा के हिसाब से ग्रिल भी बहुत ही मजबूत लगा रखी है इन्होंने, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बाइक इधर से देख लीजिए, यहाँ पे भैया की बाइक खड़ी है, बाइक जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी हैं उनके भैया की बाइक है, और उनके बच्चे जो सभी हैं, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है ये रास्ता, ये बाहर का बाहर के लिए अलग से यहाँ पे रास्ता बना रखा है भाई ने, बहुत बढ़िया लगा। एक बार इधर से दिखा दीजिए आप पूरा पूरा घर दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं आप एक बार। दोस्तों हम आपको बाथरूम भी दिखा दें, बाथरूम है कुछ इस प्रकार के,
दोस्तों ये जो है ये तख्त होता है, और ये तकिया कभी जैसे खुले में बैठने का मन हो तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहाँ पे आराम कर जी। और इस बार जो है, इस बार हमारा यही कोशिश रहेगी कि जब भैया आए, ये देख सकते हैं मकान दोस्तों पुराना है, दादाजी के समय का है, लेकिन भाई ने बहुत ही इसे सजो के रख रखा है। ये वाले जो डिजाइन है, ये डिजाइन आपको कभी कहीं नहीं मिलने के। ये वाले जो डिजाइन है ये देख सकते हैं ऊपर, हाँ ये भैया की बॉक्सिंग है, छोटे भैया करते होंगे, बच्चे करते होंगे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और इसका जो है लुक भी यहाँ से बहुत ही प्यारा आ रहा है दोस्तों। घर तो सभी हैं, ज़्यादातर लोग घर बना रहे हैं, लेकिन घर को रोकना एक तरह से, मतलब उस चीज़ को संजो के रखना, ये हमारे जो हैं ये डिज़ाइन, ये अब हमें कहीं नहीं मिलने के। ये देख सकते हैं भाई के जो मकान में है, ये डिज़ाइन आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। और ये वाले जो हैं, ये वाले डिज़ाइन नहीं मिलते आजकल कहीं भी भाइयों, आपने देखा होगा ये वाले डिज़ाइन नहीं मिलते बिल्कुल भी। लेकिन भाई जो हैं, भाई ने इन्हें पूरा बिल्कुल सजा कर रख रखा है। भाइयों अब ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना रखा है दोस्तों। हम दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं हम दोस्तों। ये जो है 3 मंजिले के ऊपर है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दोस्तों। हम जो हैं यहाँ ऊपर आ गए हैं बिल्कुल, और आप देख सकते हैं घर जो है काफ़ी अच्छा और सेफ बना रखा भैया ने बिल्कुल। ये देख सकते हैं पानी के टैंक वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का, बहुत बढ़िया दोस्तों। आपसे वादा रहा, मतलब अगली बार जब हम आएंगे तो आपको भाई को बिल्कुल अपने फ्रेम में लेकर आएंगे, भाई के साथ सेल्फी भी होगी, और बहुत ही मतलब पर्सनली वीडियो होगी भाई के साथ में, ये वादा है। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।